नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसान भाई की समस्या बनी रहती है कि कोई मशीन गीला चारा काटती है, कोई सूखा काटती है, या कोई मक्का काट पाती है, कोई गन्ना नहीं काट पाती। उसी समस्या को मैं ध्यान में रखते हुए आ पहुँचा हूँ आज भरतपुर राजस्थान में। और किसान दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दो कमाल की मशीनें, जो गीला हो या सूखा हो, कैसा भी चारा हो, सभी काटेंगी। किसान दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम अवतार भाई। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। सौरभ जी आपका धन्यवाद जो आज हमारे बीच में आए हुए हो बहुत दूर से। तो हमारे किसान दोस्तों को आप इन दो मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सौरभ जी मैं इसकी बात करूं जी, तो ये सर हमने हमारे किसान भाइयों के लिए ओनली चारा काटने के लिए बनाया है ये वाला मॉडल जो आप कह रहे हो चारा काटने के लिए। जी जी जी। हमारे किसान भाई इससे सूखा गीला कैसा भी चारा हो सब को काट देगा। ये मोटा से मोटा गन्ना की गन्ना होता है उसको भी काट देगा। ये धान की पराली है, देखिए इसके ब्लेड की क्वालिटी दिखाता हूँ आपके लिए सौरभ जी। तो ब्लेड की क्वालिटी देख सकते हैं, इसमें 8 ब्लेड है जी, देखिए डबल ब्लेड है एक साइड में। तो मेरा किसान भाई अगर एक साइड से ब्लेड खराब हो जाता है, गिर जाता है, तो दूसरे साइड से लगा सकता है। जी जी जी। हैवी कार्बन क्वालिटी के ब्लेड हैं, इसमें 3 HP की मोटर है, कॉपर वाइंडिंग मशीन मोटर है इसमें जी। इसकी देखिए सर, हमने इसमें पटा दे रखा है जो हमारे किसान भाई का हाथ नहीं जा सके अंदर, सेफ्टी फीचर से। आपने इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा। जी जी जी। हमारी माता बहन है, अगर इसको चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही उनकी साड़ी वाड़ी कोई चुन्नी वगैरह कोई इसके अंदर नहीं आ सकती। मतलब आपका कहने का मतलब जी, है जी, कि जी, किसान भाई इसको लेता है जी, जी, तो इस मशीन को लेने में उसकी फुल सेफ्टी रहेगी। जी जी जी। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जी सर। जी जी। हमारी माता बहने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती हैं। देखिए हमने इसमें 4 पहिए भी दे रखे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन की बात करूँ सौरभ जी, ये 1 घंटे में 400 किलो प्रोडक्शन निकालता है। ये 1 घंटे में 400 किलो। जी 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 जी। इसकी स्पीड की बात करूं तो स्पीड की हम इसको कम भर्ती भी कर सकते हैं। स्पीड को अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। है, इसको हम कम भर्ती कर सकते हैं क्योंकि ये इधर बेल्ट को हम इधर की साइड में चढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी जो इसकी खिंचाई है। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ये सर जी, ये सर कुट्टी भी करेगी और भैंस का दलिया भी निकालेगी जी। ये दोनों काम करेगी जी सर। चारा का चारा तो काटेगी, लेकिन ये जैसे डंगर होते हैं, ढोर होते हैं जी, हमारे जी, जी, तो जी, उनके लिए दलिया बनाएगी जी सर। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे किसान दोस्तों को बताइए। देखिए सर अभी हमने दलिया कर रखी है तो मैं बात करूंगा, देखिए कैमरामैन जरा इधर दिखाएं जी। इसमें देखिए हम को भी हमारा जो है गेहूं चना हो या मक्का हो जी, किसी का भी दलिया बनाना है हमको इसमें डालना है और धीरे धीरे से ये प्लेट पीछे खींचनी है, पीछे खींच जाती है तो ऐसे निकल जाता है धीरे धीरे निकालने के लिए, अंदर डालने के लिए। तो हमारा दलिया का जो दलिया यहाँ से आता है इसमें इधर आएगा, देख सकते हैं किसान दोस्तों आप। जी जी। मैं बात करूं इसकी, अब देखिए इसमें हमने दलिया के लिए हमने इसमें वो जाली लगा रखी है कि दलिया हमारा जो दलिया निकले ओनली, तो हमने इसमें जाली लगा रखी है दलिया के लिए। अगर हमने दलिया नहीं पीसना है, नहीं बनाना है दलिया, तो हम इसको जाली को निकाल देंगे और हमें पशुओं के लिए हमने चारा काटना है जी, तो चारे के लिए हमने ये जाली लगा देनी है। तो किसान भाई को बस इस मशीन में जाली बदलनी पड़ेगी। जी जी जी। हाँ। चारा काटना चाहता है तो इस वाली जाली को लगा दे, हमने दलिया निकालना चाहता है तो दूसरी वाली जाली। हमने ये लगा दिए तो हमारे किसान भाई चारा काटने के लिए हमें ये लगा दिए हमने। तो देखिए हमने सर देखिए हैवी कार्बन क्वालिटी के ब्लेड दिए हैं, 6 ब्लेड हैं, दोनों तरफ धार है इसकी। और हम बात करें कि इसकी मोटी या कुट्टी कैसे करनी है, मोटी करनी है बारीक करनी है, तो ये हमने प्लेट दे रखी है इसमें, इसके ब्लेड ये नट खोलने हैं, दो नट ढीले करने हैं और ये आगे सरका देनी है ब्लेड के से नजदीक, तो हमारी कुट्टी छोटी भी हो जाएगी और बड़ी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब मोटी पतली अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है किसान भाई। जी जी जी। हमारे किसान भाई एडजस्ट कर सकता है। तो हम बात करेंगे सौरभ जी, अगर हमारे किसान भाई नजदीक अगर चारे को लेना चाहता है जी, तो मेरा किसान भाई यहाँ से इस प्लेट को निकाल दे और इधर आ जाएगा, यह चारा नीचे आ जाएगा। ये मतलब जैसा चारा काटेगी मशीन, और वो चाहता है कि हमारा चारा जो पास में ही गिरे। जी जी जी। तो इस वाली प्लेट को हटा दे तो चारा इधर आ जाएगा। जी 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 जी। अगर मेरा किसान भाई दूरी पर चारा लेना चाहता है
तो ये हमने देखिए ये ऊंचा हॉपर दे रखा है इसका, देखिए इधर किसान दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले प्लेट लगी रहती है अगर किसान भाई जी 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 पास में चारा लेना चाहेगा तो जी 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 हमने ये प्लेट हटा दी, तो अब ये चारा दूरी पर फेंकेगा, दूरी पर फेंकेगा जी जी जी। तो हमने ये फीचर्स दे रखे हैं किसान भाई के लिए कि किसान भाई हमारा कहीं भी चारा ले सकता है इससे। और इस वाली मशीन में आपने सेफ्टी का क्या ध्यान रखा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए सेफ्टी की बात करें तो देखिए हमने बेल्ट, इधर मोटर लगेगी हमारी 3 HP की सर जी, मोटर किधर लगेगी, 3 HP की मोटर लगती है जो पेडिसल बना रखा है हमने मोटर के लिए, 3 HP की मोटर लगेगी जी स्टैंड है, तो मोटर जो किसान भाई को अलग से लेनी पड़ेगी, नहीं नहीं इसी के साथ में मोटर, साथ मोटर मशीन के साथ में देते हैं, अगर किसान भाई अगर विदाउट मोटर लेना चाहते तो विदाउट मोटर भी दे देते हैं हम किसान भाई जी। तो ये हमारा देखिए सेफ्टी कवर है इसके, इस पर मोटर के ऊपर सेफ्टी कवर दे रखा है। दूसरी बात करूँ इधर हमें को जो काटना है चारा काटना है वो हमें इधर से देते हैं, तो हमारी माता बहनें इधर से दे सकती हैं, हाथ हमारी बहुत दूरी पर रह गए देखिए जी, जी। तो कोई खतरा नहीं है, हमारी माता बहन या बच्चे कोई कुट्टी बना सकते हैं इससे। और ये बुल देख पा रहा है किस लिए लगे हुए हैं, देखिए ये बंद करने के लिए इसको, अच्छा जी 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 ये इसको बंद कर देते हैं, जैसे कि ये हमने बंद कर दिया, ये बंद हो गया है जी जी जी, ये खुलेगा नहीं फिर जी 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 हाँ ये बंद कर दिया हमने। और हमने सर देखिए चार पहिए भी दे रखे हैं जी, हमारा माता बहन है या हमारे जो बच्चे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते, जैसे धूप आ गई जी तो हमें ठंड में ले जाना है ये मशीन, तो ठंड में भी ले जा सकते हैं जी। तो आपका कहने का मतलब है कि यह मशीन जो है पोर्टेबल है, जी सर जी 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 आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है इसे, जी 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 जी। अब इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो 1 घंटे में 600 किलो ये चारा निकाल देती है जी। और दलिया का प्रोडक्शन क्या, दलिया प्रोडक्शन की बात करूं तो 1 घंटे में ये 2 मन का ये निकाल देती है ये जी। जी सर और लगभग कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी सर? देखिए सर जो हमारे घरेलू कनेक्शन होते हैं उन्हीं पर ये चल जाती है मशीन जी जी, अन्यथा और कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, घरेलू कनेक्शन पर ही चली जाती है ये मशीन। ऐसा नहीं है कि किसान भाई को नहीं, के लिए नहीं, अलग से कनेक्शन कोई नहीं चाहिए इसके लिए, घरेलू कनेक्शन होते हैं अपने जो उसी में चल जाएगी ये मशीन जी जी। ऐसी बात है तो हमने बतरी कर ली जी सर। अब हम इसकी बात करते हैं कलर के बारे में जी जी जी। जैसा कि किसान भाई होता है किसी कहीं छावा नहीं होता और तो धूप में मशीन खड़ी करनी पड़ जाए जी जी, तो जी, जी। कलर पलर तो नहीं उतरेगा इसका? नहीं देखिए काल कलर सब कॉटन पाउडर कलर है, कलर नहीं होने का सर ये जी जी। ये धूप में रखिए या छारे में रखिए इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कलर के बारे में। तो और इस वाले मॉडल का भी जी हाँ दोनों सेम कलर है सर, इसका सेम कलर है जी सर जी, कलर में कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं आएगी सर। और ये वाला जुगाड़ जो ये किस लिए, इसके बारे में बताइए। देखिए ये इसलिए कि हमें जैसे चारा नीचे लेना है जी और दूरी पे लेना है तो इसको यू कर दीजिए जी, और नीचे गिराना है तो इसको यू कर दीजिए, हाँ जितने मतलब पास लेना है ऐसे कर बोल्ट दे रखे हैं जी, ये इसको टाइट कर दीजिए तो ये वहीं पे रुक जाएगा ये जी। और इधर आपने बेल्ट की तरफ भी पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जी सर जी, किसी भी किसान भाई या महिला का हाथ नहीं जाए इसमें, हाथ नहीं जाए, माता बहन हमारी साड़ी भी पहनती है चुन्नी भी रखती हैं तो उनकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें जी। तो अब हम बात करते हैं इनकी गारंटी या वारंटी के बारे सर, में सर, जी, तो जी, जी। आपकी कंपनी इन पर किसान भाई को गारंटी या वारंटी देगी कुछ या नहीं देगी? देखिए सर हम इसकी 1 साल की गारंटी देते हैं जी जी, 1 साल में कोई भी दिक्कत हो हमें कॉल कर सकते हैं 6 बजे से रात 10 बजे तक मेरे किसान भाई जी। गारंटी का मतलब होता है कि आप बिल्कुल नया सामान देंगे फ्री में? जी 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 बिल्कुल फ्री मिलेगा किसान भाई को जी सर जी। 1 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी पार्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल? जी 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 वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है लेकिन फिर भी हम गारंटी दे रहे हैं 1 साल की जी सर। कोई दिक्कत आती है तो किसान भाई को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है जी जी जी। तो अब ऐसा है कि किसान भाई को आपकी ये दोनों मशीनें पसंद आ गई जी सर, कोई सा भी मॉडल वो लेना चाहता है जी और वो आपके आसपास के क्षेत्र का है तो वो आपकी कंपनी में आसानी से आ सकता है और आपकी कंपनी को देख सकता है यहाँ पर बिल्कुल लाइव डेमो भी ले सकता है जी जी, और वह ले जा सकता है। लेकिन जो किसान भाई हमारे दूर के हैं जी जैसे उधर उड़ीसा हो गया गुजरात हो गया बिल्कुल, और बिल्कुल, वो बिल्कुल, आपके इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है जी सर, तो वो किस प्रकार से लेगा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे किसान दोस्तों को बता दीजिए। देखिए कि वह आसानी से जी जी, जी इन्हें ले सके। देखिए सौरभ जी अगर हमारा किसान भाई दूर दराज क्षेत्र में बैठा हुआ वो नहीं आ सकता, उनके लिए हमने ऑनलाइन सुविधा रखी है, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, किसान भाई को पसंद आ जाती है मशीन हमारे लिए कॉल करें और बुक करा दें। मशीन को बुक कराने के लिए हमारे कंपनी के करंट खाते में 3,000 रुपये डालने हैं प्लस आधार कार्ड भी डालना है किसान भाई को, क्योंकि हमें जो बिल बनाना है पहुंचाना है वो हमें दिक्कत नहीं आए उसमें जी। तो 6 से 7 दिन में डिलीवरी हो जाती है किसान भाई के नियर बाई ट्रांसपोर्ट पर और वहाँ पहुँच जाती है, तो पहुँच जाने के बाद में किसान भाई को देख लें
किसान भाई हमारा जो अपना मशीनरी को देख लेता है उसके बाद में हमारे बची राशि उसी खाते में डाले हैं जो पहले डाले हुए हैं जी। उसके बाद में 5 मिनट में वहाँ से किसान भाई को यह मशीन आपकी मिल जाएगी जी। तो दोनों मशीनों में से यदि कोई किसान भाई कोई भी एक मशीन को लेना चाहता है जी, तो एडवांस में 3000 रुपए पे करने होंगे जी सर जी जी। और उसके बाद जब उनके नियर बाई ट्रांसपोर्ट यह प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो बाकी राशि जब देनी पड़ेगी जी 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 जी। हमारे किसान दोस्तों को उनके रेट के बारे में और बता दीजिए। देखिए सर मैं इसकी बात करूँ ओनली 4 मशीन वाले ही 4 कट्टी कुट्टी मशीन की बात करूँ तो इसकी 28000 रुपए 3 HP की मोटर के साथ में जी। कॉपर वाइंडिंग मोटर है 3 HP की। और इसकी बात करूँ मैं यह है सर 4 मशीन प्लस दलिया मशीन। इसकी कॉस्ट है सर 32000 रुपए को किसान भाई के नियर बाई ट्रांसपोर्टर पहुंचा के देंगे। कोई खर्चा नहीं है। 3 HP की मोटर है अभी जो कॉपर वाइंडिंग में। हम दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको चारा काटने की और चारा प्लस दलिया निकालने की दोनों मशीनों के बारे में पूरी जानकारी दी है और राम अवतार भाई ने बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको दी है। तो किसान दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ और एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।